इस देश में कट्टरपंथी मजहबी दंगों का लंबा इतिहास रहा है। ऐसी ही एक काली घटना भारत के इतिहास में फरवरी 2002 में दर्ज हुई। अपने प्रभु श्री राम लला के दर्शन और यज्ञ में भाग लेकर साबरमती एक्सप्रेस में लौट रहे राम भक्तों को मजहबी खुन्नस में सुनियोजित रूप से शिकार बना लिया गया था। साबरमती एक्सप्रेस जैसे ही गोधरा स्टेशन से रवाना होने लगी, तभी आउटर पर ट्रेन की चेन खींच दी गई। अंदर बैठे लोग जब तक कुछ समझ पाते, हजारों की भीड़ ने हमला कर पत्थरबाजी की और फिर पेट्रोल डालकर ट्रेन के कोच S6 और S7 में आग लगा दी गई। कोच में सवार महिला, पुरुषों और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना में 27 महिला, 22 पुरुष और 10 बच्चों सहित 59 कार सेवकों की जिंदा जलकर पीड़ादायक मृत्यु हो गई, जबकि कई कार सेवक घायल हो गए। इन सब की गलती बस इतनी थी कि ये सभी कार सेवक अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेने गए हुए थे। यह वापस लौटे तो धार्मिक कट्टरता का शिकार हो गए। गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए नानावटी मेहता समिति बनाई। समिति ने 6 वर्षों तक तथ्यों और घटनाओं की जांच करने के बाद 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट बताती है कि गोधरा दुर्घटना एक षड्यंत्र था, जिसको अंजाम देने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारी मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर और ननु मियां थे। इन्होंने सिग्नल फालिया एरिया के मुसलमानों को भड़काकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन को जलाने के लिए रजाक कुरकुर के गेस्ट हाउस पर 140 लीटर पेट्रोल भी एकत्रित किया गया था। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अनुसार आग लगने का कारण ज्वलनशील द्रव्य को कोच के अंदर डाला जाना था और आग लगाना केवल दुर्घटना मात्र नहीं थी। गोधरा सांप्रदायिक हिंसा का लंबे समय से शिकार रहा है। स्वयं न्यायालय ने भी ऐसी 10 घटनाओं का उल्लेख किया जो 1965 से 1992 के मध्य घटी और इसमें हिंदुओं की दुकानों एवं घरों को जलाया गया। आरोपियों के वकील का तर्क था कि रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम दुकानदारों से कार सेवकों ने दुर्व्यवहार किया, जिससे दंगा शुरू हुआ, परंतु न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय का मानना था कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित सिग्नल फालिया एरिया के लोगों को यह अफवाह फैलाकर एकत्रित किया गया कि कार सेवक मुस्लिम लड़की का अपहरण कर रहे हैं। पास की मस्जिद से भी लोगों को भड़काने वाले नारे लगाए गए। बाद में एकत्रित भीड़ से ट्रेन रोकने के लिए कहा गया। न्यायालय ने माना कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि 5-6 मिनट के अंदर मुस्लिम लोगों को हथियार सहित एकत्रित कर रेलवे स्टेशन और ट्रेन तक लाना बिना पूर्व निर्धारित योजना के संभव नहीं है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि हिंसक भीड़ को उकसाने के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग किया गया था। काफिरों को मार डालो, इस्लाम खतरे में है, काट दो, मार दो जैसे नारे लगाए गए। हमलावरों के हाथों में तलवारें और अन्य घातक हथियार थे। दंगाई पत्थरबाजी भी कर रहे थे। ये सभी ट्रेन को घेरने की कोशिश कर रहे थे। देश का दुर्भाग्य देखो कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे लोग भी थे जो इस सुनियोजित षड्यंत्र को हादसे में बदलना चाहते थे और लगातार आरोपियों को बचाने का प्रयास भी कर रहे थे। मई 2004 में यूपीए सरकार ने घटना के पुनः जांच के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की। उमेश चंद्र बनर्जी समिति ने जनवरी 2005 में अंतिम रिपोर्ट पेश की। इसमें गोधरा की घटना को और ट्रेन के जलने को केवल एक दुर्घटना माना गया। इस रिपोर्ट को दंगे में पीड़ित नीलकांत भाटिया ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अक्टूबर 2006 में उच्च न्यायालय ने बनर्जी समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और समिति की जाँच को अवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया। विशेष रूप से गठित टीम SIT ने जांच के बाद 68 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की। इसमें यह उल्लेख था कि भीड़ ने बचाव में गई पुलिस पर भी हमला किया था और फायर ब्रिगेड को भी रोकने की कोशिश की थी। विशेष ट्रायल कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को दोषी पाया। 11 लोगों को मौत की सजा दी।
यह लोग वे दंगाई थे जिन्होंने गोधरा में ट्रेन जलाने का षड्यंत्र रचा और कोच में पेट्रोल छिड़का था। कोर्ट ने अन्य 20 को आजीवन कारावास की सजा दी। बाद में चली न्यायिक प्रक्रिया में उच्च न्यायालय ने सभी 31 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। देश को ऐसी मजहबी कट्टरता से मुक्ति दिलाने की बहुत आवश्यकता है और इसका उत्तरदायित्व प्रत्येक नागरिक का है।